आपको फीवर नहीं है लेकिन फीवर लग रहा है। एक बीमारी होती है फीवर फोबिया। फीवर फोबिया क्या है और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बड़ी आसान शब्दों में बड़ी धीरे धीरे आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, और आपको कभी भी कोई भी समस्या अगर आती है तो आप खुद ही उसका निराकरण कर लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखिए, सुबह और शाम का दोनों का टेम्परेचर अलग आता है, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा, और जो फीवर की कंडीशन होती है वो भी एक अलग होती है। जिन मरीजों का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, ऐसी कंडीशन में उनको हाइपरपायरेक्जिया कहा जाता है। जिन बच्चों का टेम्परेचर 104 से ज़्यादा जाता है, ऐसी कंडीशन में उनको डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में सीजर्स वगैरह या अन्य कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों की स्पेशली बात कर रहे हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से कम है, उनको फीवर नहीं है। यानी कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग का टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट के समथिंग जा सकता है, और इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है यानी शाम के वक्त का जो आपका तापमान होता है शरीर का, यानी उसे हम कहते हैं कि 99.6 फ़ारेनहाइट। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि फीवर हमें कब मानना है, तो 100.4 फ़ारेनहाइट से अगर आपका टेम्परेचर ऊपर जाता है तो अब हमें ये बुखार की कैटेगरी में रखना है, यानी हमें बुखार मानना है। अगर हम माइल्ड की बात करें यानी माइल्ड फीवर कब कहेंगे, तो 100.4 से लेकर के 102 फ़ारेनहाइट तक के आसपास होता है, तो इसे हम कहते हैं माइल्ड। मॉडरेट की बात करें तो 102 से लेकर 104 तक हम इसे कहते हैं मॉडरेट। और अगर हम सीवियर की बात करें तो 104 से लेकर के 106 तक इसे हम सीवियर कहते हैं। अगर 106 से ऊपर जाता है तब इसे हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली दिक्कत होती है। अब बात कर लेते हैं फीवर होता क्या है, बुखार होता क्या है। बुखार एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा इवेंट है हमारे शरीर का, जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन या हमारे शरीर में कोई पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, कोई भी जाता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इवन कुछ ऐसे सेल्स या फिर कुछ ऐसी एलर्जीज टाइप की हमारे शरीर में होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा शरीर उनसे निपटने के लिए यानी उसे ख़त्म करने के लिए हमारा शरीर उनके आगे फाइट करता है। यानी मान लीजिए आपके घर पर एक होम गार्ड खड़ा हुआ है, और उससे निपटने के लिए यानी कि कोई 4 लोग उसके सामने आते हैं, तो उससे निपटने के लिए उसे क्या करेगा, उसके अगेंस्ट उनको भगाने की या उन्हें पीटने के काम करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि एज इट इज हमारे शरीर में भी यही प्रोसेस है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम्स हैं, हमारे सेल्स हैं, हमारे बॉडी के जो पावर्स हैं, जो इम्यून है, वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई को ख़त्म करने में, यानी जो भी पैथोजन हमारे शरीर में जा रहा है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसे ख़त्म करने के लिए फाइटिंग करते हैं, मैकेनिज्म करते हैं। इसे हम कहते हैं बुखार आना। तो इस तरीके से हमारा जब शरीर खुद को बचाने के लिए फीवर डेवलप करता है यानी हीट प्रोड्यूस करता है, तो इस कंडीशन को हम फेवराइल कंडीशन कहते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि मुझे बुखार है लेकिन बुखार उनको नहीं है। तो नॉर्मल टेम्परेचर मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियरिटी कितनी होनी चाहिए। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अभी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और इसके कारण उनको नहीं पता है। उसके कारण मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनको लगता है कि मुझे बुखार है। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म चीज़ पीते हैं, या चाय जब भी लेते हैं, गर्म दूध लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में खाने पीने के बाद अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ सकता है। हम टेम्परेचर 3 जगह से लेते हैं मोस्टली। एक होता है रेक्टल यानी जहाँ से हम पॉटी करते हैं, दूसरा साइड से यानी एक्जिला से, इसे हम एक्जिला कहते हैं, तीसरा टेम्परेचर लेते हैं हम माउथ से यानी इसे हम कहते हैं ओरल। बच्चों में ओरल टेम्परेचर कम लिया जाता है, एक्जिला से ज़्यादा लिया जाता है मोस्टली, क्योंकि उनके जो थर्मामीटर जब हम लगाते हैं तो उसे वो तोड़ने का या फिर उनको हार्म होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए एक्जिला से लेना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सेफ होता है। ध्यान रहे, एक्जिला का जो टेम्परेचर होता है वो मुंह के टेम्परेचर से कम होता है।
और जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो रेक्टल टेम्परेचर मुंह के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, 0.5-0.7 फ़ारेनहाइट, ये इससे भी ज़्यादा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। ओरल टेम्परेचर अगर हम ले रहे हैं तो ये टेम्परेचर जो होता है यहाँ के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और जो सही माना जाता है, सही टेम्परेचर होता है लगभग लगभग। लेकिन सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर लेने का तरीका होता है वो होता है रेक्टल। रेक्टल से हम बहुत अच्छा जो टेम्परेचर है उसको माप सकते हैं, यानी कि उसे हम मैनेज कर सकते हैं और सही से हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं या बहुत ज़्यादा मस्ती करके आते हैं, यानी बॉडी की जो एक्टिविटी हो रही है उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जिन मरीजों को हाइपरथायरॉयडिज्म है उन मरीजों में भी हीट का प्रोडक्शन होता है, उनका शरीर भी गर्म उनको लग सकता है, उनके हथेलियाँ जो होती हैं उनको ऐसा फील हो सकता है कि उनको बुखार है। इसके अलावा सेक्स यानी मेल फीमेल्स के हिसाब से भी टेम्परेचर बढ़ या कम ज़्यादा हो सकता है, बच्चों में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारे शरीर की मसल्स, शरीर का बॉडी फंक्शंस ज़्यादा कर रहे होते हैं, कॉमन होता है एक्सरसाइज है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, ऐसी कंडीशन में भी आपको टेम्परेचर बढ़ सकता है। खाना खाने के बाद आपका टेम्परेचर थोड़ा हल्का सा राइज हो सकता है, जैसे खाना खाने के बाद ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है हल्का सा, ऐसी तरीके से आपका ये टेम्परेचर भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा जिन मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस है, कोई इन्फेक्शन है शरीर में, टाइफॉइड है, मलेरिया है, लिवर से संबंधित कोई परेशानी है या फिर UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में आपको बढ़ सकता है, यानी आपको ये फीवर आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको केवल दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि मुझे क्या समस्या है और मेरा टेम्परेचर जो है वो कितना है। दोपहर के टाइम पर भी टेम्परेचर कभी कभार बढ़ जाता है, वो हमें लगता है कि हमें बुखार है लेकिन एक्चुअल में बुखार नहीं होता है, ये केवल फोबिया है, यानी इसे हम कहते हैं फीवर फोबिया। कई ऐसे माता पिता होते हैं जिनको लगता है कि हमारे बच्चे को बुखार है और जब वो टेम्परेचर चेक करते हैं तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल आता है, कभी कभार कम भी आता है नॉर्मल से भी, ठीक है। तो ये बुखार है नहीं है, बुखार हमें कब याद रखना है, 100.4 फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर जाता है तो हम इसे फिब्रिल यानी फिब्रिलस की कंडीशन में रखते हैं, ऐसा मानते हैं, और ये नॉर्मल बुक्स के आधार पर जो टेम्परेचर की गाइडलाइंस होती हैं इसी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसके अलावा, जब हम टेम्परेचर लेते हैं, जिस किसी को मुंह में सलाइवा आ रहा है या फिर उनको साइड में एक्जिला में वो पसीना आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी टेम्परेचर उनका कम ज़्यादा हो सकता है। ध्यान रहे टेम्परेचर आपको सही तरीके से चेक करना है, थर्मामीटर को चेक कीजिए, थर्मामीटर सही है या नहीं है। कई बार सेल खराब हो जाते हैं, कई बार टेम्परेचर चेक करते समय सही से नहीं बताता, कई बार थर्मामीटर ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड कीजिएगा और सारी चीज़ों के बारे में सोचिएगा। एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको भी आप कम कीजिएगा, योगा मेडिटेशन आप करना है। बच्चों को फीब्राइल कंडीशन नहीं होती है, बच्चे का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मली थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, एडल्ट्स के बजाय हल्का सा टेम्परेचर उनमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो आपको 100.4 फ़ारेनहाइट याद रखना है, अगर इससे किसी का ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपको डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और ये हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है, यानी हमें शरीर के हमारे शरीर के सेल्स को, हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और बहुत कुछ इस वीडियो से आपने सीखा होगा। फीवर फोबिया से आपको कैसे बचना है, योगा मेडिटेशन और अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिएगा, स्ट्रांग मेंटेलिटी सोचिए, सारी चीज़ों को समझिएगा, डरना नहीं है जीतना है, स्ट्रांग मेंटेलिटी, वी ब्रेव। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलेगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी तरह की मीडिया वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।